हेलो एवरीवन, वेलकम इन द लेक्चर 10th एंड 11th इन सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। लेक्चर 10th और 11th में इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि आपके जो मूडल पे लेक्चर नंबर अगर चल रहा है 9th, ये लेक्चर 8th के बाद ऐसा हुआ है, लेक्चर नंबर 9th अगर चल रहा है तो वहाँ पे वीडियो नंबर आ रहा है 8, और अगर चल रहा है लेक्चर नंबर 10 तो वहाँ पे वीडियो नंबर आ रहा है 9। तो अब लेक्चर 11 में आपका वीडियो नंबर होगा 11 डायरेक्ट, तो इसलिए मैंने 10 को भी यहाँ पे ऐड कर लिया है। ओके, तो एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं आज। न्यूमेरिकल आपका सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल नंबर 3.9, जिसको आज सॉल्व करेंगे हम। इसमें प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 6 एक्टिविटीज डेजिग्नेटेड फ्रॉम ए टू एफ विद द फॉलोइंग रिलेशनशिप। फर्स्ट है, ए इज द फर्स्ट जॉब टू बी परफॉर्म्ड, बी एंड सी कैन बी डन कंकरेंटली एंड मस्ट फॉलो ए। ओके, आपको ये केसेस ध्यान रखने, बी मस्ट प्रीसीड डी, ई मस्ट सक्सेस सी, बट इट कैन नॉट स्टार्ट अंटिल बी इज कंप्लीट। एंड लास्ट है, द लास्ट ऑपरेशन एफ इज डिपेंडेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ बोथ, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। तो आपको इसके लिए नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है, तो पहला केस हम देख लेते हैं कि पहला केस यह क्या कह रहा है। पहला केस है, ए इज द फर्स्ट जॉब टू बी परफॉर्म, तो आप इसको बनाएगा स्टेप वाइज। तो लास्ट में जो आपका फाइनल नेटवर्क डायग्राम बनेगा उसमें आप लिखोगे फाइनल नेटवर्क, तो आपको पहले स्टार्टिंग करनी होगी इस तरह से कि ए जो है वो है ये। ओके, यहाँ पे ये जो जॉब है उसकी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, जो इवेंट है उसकी जॉब, ये ए वाला हो गया, ये फर्स्ट आपने केस कंप्लीट कर लिया, जैसा कि कह रहा है ए इज द फर्स्ट जॉब टू बी परफॉर्म, तो ये फर्स्ट हो गया। ओके, सेकंड है, बी एंड सी कैन बी डन कंकरेंटली एंड मस्ट फॉलो ए, तो ए को फॉलो करेंगे बी और सी, तो जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा हमारा वो इस तरह से बनेगा, ये बन गया बी और ये बन गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया ए। ओके, यानी कि जो सेकंड केस है हमने उसको भी फॉलो कर लिया है। ओके, ऐसे तो बनेगा सेकंड केस के लिए भी। थर्ड केस से कह रहा है, बी मस्ट प्रीसीड डी, अब बी के लिए, तो तीसरा केस हमें अलग से बनाना पड़ेगा दोबारा, यहां पे वापस ऐसे बनाएंगे, ये ए हो गया, ये था हमारा बी, ये था सी और ये बनेगा। ओके, क्योंकि जो बी है वो डी का प्रेडिसर है। ओके, ये तीसरा केस भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ है, ई मस्ट सक्सेस सी बट इट कैन नॉट स्टार्ट अंटिल बी इज कंप्लीट। देखिए यहां पे ये बन गया है ए, बी, सी, यहाँ पे हो गया डी। ओके, क्योंकि सी है तो ई मस्ट सक्सेस सी, तो ये ई बनेगा इसलिए यहाँ पे आएगा ई, बट ये कह रहा है कि बट इट कैन नॉट स्टार्ट अंटिल बी इज कंप्लीट, तो आपको ये जब तक बी कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये वाला ई वाला जॉब जो है स्टार्ट नहीं होगा, तो इसको आप दिखाओगे डमी की हेल्प से, इसको ऐसे दिखा दूंगा। ये डमी आपने जो लास्ट टाइम डमी पढ़ा था तो वहां यहाँ पे उसको हमने इंट्रोड्यूस कर लिया हमने यहाँ पे उसको। ओके, तो आपने डमी वाला भी देख लिया है कि डमी कैसे यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो जिसका लास्ट वाला केस है उसको भी देख लेते हैं। लास्ट ये कह रहा है, द लास्ट ऑपरेशन एफ इज डिपेंडेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ बोथ, तो ये डी वाला और ई वाले दोनों कंप्लीट होना चाहिए, तो लास्ट वाला डायग्राम बनेगा उस तरह से बनेगा, ए और ये होगा बी, ये है सी। आप इवेंट को यहाँ पर नंबर दे दीजिएगा, जैसे 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ओके, ये इवेंट है, ये डमी हो गया यहाँ पे। ओके, तो क्योंकि ये कह रहा है कि लास्ट वाले दोनों ही कंप्लीट होने चाहिए, तो इसको आप ऐसे ड्रॉ करोगे जिससे जो एफ वाला जो होगा
जो एफ वाला पोर्शन होगा वो इस तरह से बनेगा, ये हो गया आपका, ये डी है, ये ई है, और ये हो गया एफ। ओके, तो ये है 5 और ये है 6। तो ये कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट सॉल्यूशन ये वाला है, इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन ये है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा, बहुत इजी है, इतना बड़ा टास्क नहीं है। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होंगे उनको आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनाते रहिए और लास्ट में इन सबको यहाँ पे ऐड करते रहेगा। एक साथ बनाने की सोचना भी मत कि मैं एक साथ एक पढ़ के इसका फाइनल डायग्राम बना लूँ, ऐसा अगर करोगे आप ऐसा बन तो जाएगा बट आप इसमें गलतियाँ कर लोगे, इसके ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, आप इसमें पक्का कोई गलती करोगे। इसलिए आप एक स्टेप पढ़ो उसको ड्रॉ करो, सेकंड स्टेप पढ़ो उसको ड्रॉ करो, बस पिछला स्टेप भी साथ लेके चलना। ओके, थर्ड स्टेप में इसको पिछला स्टेप साथ लेके चलो, नेक्स्ट स्टेप में ये लेके चलो, लास्ट स्टेप में आप दोबारा उसको करते चलो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको सॉल्व करेंगे। ये वाला आंसर है जब भी हमने सॉल्व किया था, ये है आंसर उसका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंटेनेंस प्रोजेक्ट ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 10 जॉब्स, द प्रीडिशर रिलेशनशिप आर आइडेंटिफाइड बाय देयर नोड नंबर एज इंडिकेटेड बिलो। जॉब है ए बी सी डी ई और जिसका आइडेंटिफिकेशन है वो है 1, 2। अगर हम बात करूं ऐसे, ये जॉब है ए, तो यहाँ पे जो इवेंट होगा, यहाँ पे जो इवेंट होगा, यहाँ पे लिखा होगा 1, 2। तो जॉब ए का जो आइडेंटिफिकेशन है वो है 1 और 2। जॉब ए जो कंप्लीट कर रही है इवेंट्स को वो है 1 और 2। जॉब ए का आइडेंटिफिकेशन है, इस तरह इसको समझिए आप, समझिए आप जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे दे रखे हैं जॉब बी का रिलेशनशिप, जॉब सी, डी ई एफ जी एच आई जे। तो ये कह रहा है ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फॉर द प्रोजेक्ट, आपको इसके लिए प्रोजेक्ट का ड्रॉ करना नेटवर्क डायग्राम, बट ध्यान रखिएगा जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है नेटवर्क डायग्राम, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ये, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप जॉब वाइज जॉब लेंगे इसको। ओके, तो फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट देखिए जो फर्स्ट जॉब एक है, आइडेंटिफिकेशन है 1, 2, तो इसको ऐसे ड्रॉ करिए आप, तो ये है जॉब ए। ओके, ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है, पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड है बी के लिए आइडेंटिफिकेशन है 2, 3, तो जो सेकंड होगा वो किस तरह बनेगा, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये 2, 3। तो ये था ए के लिए, ये था बी के लिए, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिएगा जब भी आप नेक्स्ट स्टेप चलोगे उसमें आप प्रीवियस स्टेप को भी लेके चलोगे साथ, तभी आप कंप्लीशन की तरफ जाओगे। ओके, थर्ड स्टेप भी कह रहा है सी के लिए 2, 4 है, तो यहां से यानी कि इस पे जुड़ेगा कहीं ना कहीं, 2 पे जुड़ेगा वो सी वाला पार्ट, तो ये होगा इस तरह से 1, 2, 3, इस तरह बनेगा ये 4। तो ये था ए के लिए, ये था बी के लिए, ये था सी के लिए। ओके, ऐसे ही बनेगा इसका। अब नेक्स्ट है डी, 3, 6, यानी कि यहां से कहीं ना कहीं ऐड होगा, तो जो नेक्स्ट बनेगा उसमें आप इस तरह ऐड कर लो, तो ये हो गया डी के लिए 3, इसको लिखेंगे आप 6। ओके, अब नेक्स्ट है ई, 3, 5, इसको इस तरह ऐड कर लो। अभी मैं इसी पे कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, आपको अलग से इसको बनाते रहना है। ये हो गया ई के लिए। एफ के लिए कह रहा है 4, 5, 4, 5, तो ये इसको ऐसे जोड़ दोगे आप, तो ये हो गया एफ के लिए। ओके, और फिर नेक्स्ट ये कह रहा है जी के लिए 4, 7, तो इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ, मैं इसको ठीक से दोबारा इसको और ठीक से बना लेंगे हम। ये था ए, यू गेट 2, यू गेट 3,
ये हो गया 4, फाइव, इस तरह बन जाएगा ये। इसको हम और मॉडिफाई कर लेंगे इस तरह से, बट रिलेशन जो होगा वो सेम रहेगा। और ये हो गया जी के लिए 4, 7। ओके, इसका जो लास्ट ये कह रहा है एच के लिए 5, 8, आई के लिए 6, 8 एंड जे के लिए 7, 8। तो इसका और जो फाइनल जो बनने वाला है वो इस तरह से बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 3, ये बन जाएगा 5, ये जाएगा 4, ये सेट हो जाएगा, ये इससे ऐड हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 6, ये था डी, ये था 5, ये तो 7, ये हो गया जी, 5, 8, तो ये हो जाएगा 5, 8, ये हो जाएगा एच, 6, 8, ये बन जाएगा 6, 8, ये बन जाएगा आई, 7, 8, ये बन जाएगा जे। ओके, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया है, ये इसका आंसर है, फाइनल फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का ये वाला है। ओके, तो आपने ये भी सॉल्व कर लिया है। अब आपको जो सॉल्व करना है वो है ये वाला, आपको ये सॉल्व करना है, और ये आपका ऐड हो जाएगा असाइनमेंट 4। ओके, असाइनमेंट 4 नहीं, इसको एक काम करते हैं हम, असाइनमेंट 3 आपको दिया है अभी मैंने, इसको असाइनमेंट 3 ही काउंट रखते हैं, क्योंकि उसी चैप्टर का असाइनमेंट 3 का ये बी पार्ट। ओके, असाइनमेंट 3 का ये बी पार्ट है, इसको आपको सॉल्व करके मॉडल पे मैं एक को बना लूँगा असाइनमेंट का, उसको आपको इसमें सबमिट करना है। ओके, थैंक यू।